इस्लामिक उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे मैं एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और शादीशुदा मसाइल को डील करती हूँ और उसके साथ साथ मैं जिंसी मसाइल को भी डील करती हूँ। मेरे अक्सर क्लाइंट्स जब आके अपनी मैरिटल लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं और जब हम देखते हैं कि रिश्ता इज़दवाज में बहुत सारे टाइम के ऊपर जो है वो रिफ्ट जो हैं, जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिससेटिस्फेक्शन की वजह से होती है, यानी गैर मुतमईन जो ताल्लुक होता है उसकी वजह से। और उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह के होते हैं जिसमें सिर्फ आमतौर पे जैसे लोग जो है अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो खराब हो रही होती है। कई दफा वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनको उस तरह से उनको सेटिस्फाई करना या मुतमईन करने का तरीका नहीं पता होता। और कई दफा वो खुद ही इतने ज्यादा खौफ और डर का शिकार होते हैं कि वो चीजों को उस तरह से कर ही नहीं पाते और ना खुद सेटिस्फाई हो सकते हैं सही तरह से और ना ही उनका पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई हो सकता है। सो बहुत सारे टाइम पे मेरे बहुत सारे क्लाइंट जब आके अपनी इस तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करते हैं तो अक्सर उनका सवाल होता है कि मैडम कभी यानी क्या इज इट पॉसिबल कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है या आपकी जो डिजायर है या लिबिडो है जो कुव्वत है ताकत है जो जिंसी ताकत जिसको आप कहते हैं या जो प्लेजर और सुकून है वो बगैर दवाई के या बगैर डॉक्टर पे जाए हुए कुछ नेचुरल तरीकों से या कुछ इस तरह से टेक्निक्स वगैरह से बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अक्सर ऑफ कोर्स क्योंकि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और हमारा ज्यादातर फोकस इसी चीज के ऊपर होता है कि बगैर दवाइयों के ही हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो मदद कर सकें कि वो बेहतर से बेहतर हो जाए। तो आज की मेरी ये वीडियो जो है खासतौर पे उन लोगों के लिए है जिनको जिनकी जो है जिंसी ताकत जो है वो कम हुई हुई होती है और ये लिबिडो उनकी कम है या उनको उस तरह से जो है सुकून प्लेजर या मजा जो है वो नहीं आ रहा होता या उनका दिल नहीं कर रहा होता, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सेक्सुअल ड्राइव जो है उनकी बहुत ज्यादा लो होती है, खासतौर पे उन लोगों के लिए है। सबसे पहले जो है कोशिश करें कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें क्योंकि स्ट्रेस जो है दबाव जो है जहनी दबाव जो है तनाव जो है ये एक ऐसी चीज है जो कि आपकी सेक्सुअल लिबिडो को जो है यानी सेक्सुअल एनर्जी जो है आपकी आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है उसको बहुत बुरी तरह जो है जो सेक्सुअल ख्वाहिश जिंसी ख्वाहिश होती है उसको बहुत बुरी तरह जो है वो इफेक्ट करता है। यानी स्ट्रेस को अपने मैनेज कीजिए। दूसरा टिप जो है बहुत जरूरी ये है कि आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है आपकी यानी जो आप रिश्ता इज़दवाज बना रहे होता है और अपने प्राइवेट लम्हात में जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो अपने उन लम्हात को बहुत ज्यादा जो है वो एक्साइटिंग जो है वो बनाने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा उसमें यानी बहुत खुशी वाला एलिमेंट जो है वो लेके आने की कोशिश करें, उसको बहुत क्रिएटिविटी के साथ। मसलन इंसानी नेचर है कि आप ज्यादा टाइम अगर बहुत ज्यादा चीजें एक ही तरह से करते रहेंगे तो उसमें जो है लज्जत जो है या उतना ज्यादा जो है वो प्लेजर या सुकून या मजा जो है वो उस चीज का खत्म हो जाता है। सो कोशिश करें कि डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीजों के साथ नई नई चीजें जो है वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो है अपने पार्टनर के साथ डिफरेंट चीजों को एक्सपीरियंस करें ताकि ये एक्टिविटी जो है ये आपके लिए प्लेजरेबल भी रहे और इसमें पॉजिटिविटी भी जो है वो आए। अगला टिप जो है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्सरसाइज जो है फिजिकल एक्सरसाइज खासतौर पे जो है वो करने की कोशिश करें। उन फिजिकल एक्सरसाइज में खासतौर पे पुशअप्स जो होते हैं उनको जरूर कीजिए। पुशअप्स जो है वो आपको सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाते हैं, आपको सेक्सुअली स्ट्रांग करते हैं। उन पुशअप्स को जरूर कीजिए डेली में भी कम से कम जो है पांच से दस मरतबा जो है वो आप कर सकते हैं और हर रोज जो है इसको इंक्रीज करने की जो है वो कोशिश कीजिए। इसी तरह से जो है कोशिश करें कि आप हेल्दी डाइट जो है वो इस्तेमाल करें और हेल्दी डाइट से मेरा मुराद जो है वो ये है कि अपने खाने में कम से कम हफ्ते में एक से दो मरतबा जो है व्हाइट मीट का इस्तेमाल जो है वो जरूर कीजिए बिकॉज प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी आपको सेक्सुअली बहुत ज्यादा इम्प्रूव करते हैं बेहतर करते हैं। फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल भी आपको हेल्प कर सकता है और इसके साथ साथ जो है बर्गर्स पेप्सी कोक और इस तरह का जो फास्ट फूड है उसको खाने से बिल्कुल परहेज कीजिए। अगर आप अपने आप को सेक्सुअली जो है बेहतर रखना चाहते हैं और अपनी डिजायर को बढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इन जो है फास्ट फूड जो है उसको कम से कम महीने में एक आध बार
वो काफी है, इससे ज्यादा मत इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी सेक्सुअल एनर्जी जो है वो बहाल रहे और वो ज्यादा रहे। इसी तरह से अपने वजन के ऊपर खास तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी सेक्सुअल जो पावर है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी जो है, आपकी लिबिडो जो है, आपकी ख्वाहिश जो सबसे ज्यादा जिस चीज से किल होती है वो है मोटापा। कोशिश करें कि अपने आप को जो है वो अपने वजन को कंट्रोल रखिए, बिकॉज जब आप मोटे होते हैं तो आपके जो प्राइवेट एरियाज होते हैं, जब आपका वजन बढ़ रहा होता है तो उस वक्त आपके जो प्राइवेट एरियाज होते हैं, जिसम के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनमें भी फैट्स आ रहा होता है। जब उनमें फैट्स आ जाता है तो फिर सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी अच्छी वो पहले हुआ करती थी, जब कभी आप स्मार्ट थे, आपका वजन कम था। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी आपकी अपनी सेक्सुअल पावर्स को इंक्रीज करने में, लिबिडो को इंक्रीज करने में। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।